हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिवेश और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हमें एक बाइक मॉडिफाई करने वाले, वो है पल्सर बाइक। तो उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा पुराना है और ख़राब भी हो रहा है कंडीशन, तो उसको हम पूरा न्यू बनाएंगे। उसका साइड का जो पल्सर का लोगो वगैरह सब कुछ मतलब बेकार हो चुका था, उसका हम सब कुछ नया लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी टंकी का कंडीशन कैसा है। यहाँ से पूरा पेंट रिमूव हो चुका है और यहाँ पे जो लोगो वगैरह था सारा एकदम बेकार हो चुका था, तो हटा दिया है। तो देखिए एकदम, अभी देखिए इसमें सारा बहुत ज़्यादा जंग वगैरह भी आ रखा है, सारा पेंट करेंगे। दिखाते हैं आपको कंडीशन। ये पीछे का थोड़ा हम लोगों ने इसमें पीछे का कंप्लीट हो चुका है काम। देखिए रैपिंग कर दिया, ये भी पूरा बेकार था। देखिए पीछे का भी, सामने का टंकी का रह गया बस। देखिए सामने से भी कर दिया। ये देखिए टंकी का कंडीशन कैसा है अभी, और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे बनाने के बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी ये हम लोग ब्लैक जो शीट है, जो ब्लैंक शीट है, इसमें पूरा रैपिंग करेंगे। पूरा टंकी को पूरा कवर करेंगे। ये देखिए, इसकी लाइफ कम से कम 3-4 साल तो चली जाता है अगर सही से अगर आप रखोगे तो। तो दोस्तों, एक साइड का कंप्लीट हो चुका है टंकी, अब दूसरे साइड का कर रहे हैं। देखिए इस साइड का हो चुका है, इस साइड कर चुके, बस खाली कटिंग करना है, बाकी इस साइड का करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, ये पीछे का कैरियल है जो आप देख सकते हैं, इसका पेंट वगैरह पूरा निकल चुका है। इसको हम रीपेंट करेंगे सिल्वर कलर, तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं इसको पेंट करते हुए। पेंट करने के बाद देखना पूरा शाइनिंग वापस आ जाएगा। आप भी पेंट कर सकते हैं आसानी से, स्प्रे पेंट लेके आप अपने बाइक में कहीं भी पेंट निकल रहा हो, ब्लैक हो, सिल्वर हो, कोई भी कलर हो, आप पेंट ले लीजिए, उसको पेंट कर। देख सकते हैं ये, अभी ये देखो पहले कैसा था, इसको पेंट कर दिया है, पूरा शाइनिंग पूरा वापस आ गया है नया जैसा। इसको अभी हम सुखाने के लिए रख देंगे। दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जितने भी सारे ये रस्ट दिख रहे हैं आपको, जंग, ये सारा पेंट करेंगे अभी हम, इसको साफ करके। देखिए ये आप अपने गाड़ी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो देखिए एकदम चमक आ गया है जहां जहां मार रहे थे। You're an obsession in my head, I can't forget. You're right.
देखिए दोस्तों, ये पेंट कर चुके हैं, देखिए पूरा जितना भी ये जंग वगैरह सब गायब हो गया। ये सिलेंसर का भी पूरा कलर हो चुका है, यहाँ पे भी करेंगे अभी हम कलर। देख सकते हैं व्हीलों में भी पेंट चल रहा है, ये देखिए स्क्रैच है व्हीलों में, ये पूरा पेंट कर दे रहा है, देखिए ये देखिए स्क्रैच पूरा गायब है। अब अपने भी बाइक में कर सकते हैं। तो दोस्तों पेंट का सारा काम हो चुका है, देखिए व्हील में सब पेंट कर चुके हैं, फिर पूरा देखिए यहाँ पे भी देखिए ये पूरा सिल्वर पेंट कर दिया है, यहाँ पे पीछे वाला देखिए ये इसको फिट कर चुके हैं पीछे से, देखिए देखिए यहाँ पे भी ये पेंट कर दिया पूरा। टंकी का भी देखिए पहले कैसा था, आपको दिखाया था कि यहाँ पे कितना खतरनाक पूरा पेंट रिमूव हो चुका हो, मतलब पेंट पूरा निकला हुआ था, अभी देखिए रैपिंग कर दिया। अभी यहाँ पे पल्सर लगना रह गया, जो पल्सर का ग्राफिक रहता है, क्रोम रहता है, जो उसको अभी हम यहाँ पे हम लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसका ये जो क्रोम है, जो लोगो है, मतलब पल्सर लिखा हुआ वो है, इसको हम चिपकाएंगे, ये ओरिजिनल है पूरा। दोस्तों गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम पूरा फिटिंग कर रहे हैं, सारा पेंट कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे भी पेंट गया है पूरा, ये इसमें भी पेंट गया है, जहाँ जहाँ लगा कि पेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पेंट कर दिया है। अब इसको पूरा फिटिंग कर रहे हैं गाड़ी को, देखिए पल्सर का लोगो लग गया है दोनों साइड में। तो दोस्तों गाड़ी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी पहले कंडीशन कैसा था। आप देखिए गाड़ी का कंडीशन एकदम नया जैसा लग रहा है, तो बने रहिए वीडियो पे, आपको दिखाता हूँ कि देखना गाड़ी का लुक एकदम पूरा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों देखिए गाड़ी अभी लुक कैसा आ रहा है, पहले देखिए गाड़ी का लुक कैसा था, ये देखिए क्लोज से दिखा देते हैं पूरा गाड़ी, ये देखिए पल्सर का पूरा लोगो लगा रखा है, सामने देखिए लैमिनेशन हो रखा है पूरा मडगार्ड में भी, ये देखिए इस साइड से भी दिखा देता हूँ, देखो पेंट पूरा इंजन में पेंट कर रखा है, देखो इंजन का देखो पूरा नया, देखो यहाँ से देखो पूरा एकदम स्प्रे पेंट मारा का लग नहीं रहा कहीं से, ये देखिए आप कहीं से बता नहीं सकते, ये बहुत पुरानी गाड़ी है, ये BS3 मॉडल है, कम से कम 2007-08 मॉडल होगा, या उतना मुझे मॉडल का पता नहीं, लेकिन काफ़ी पुराना था ये, कम से कम 10 साल पुरानी गाड़ी तो है। देखिए एकदम न्यू जैसा है, शोरूम कंडीशन तो नहीं है एकदम, मतलब लेकिन नया जैसे काफ़ी, आप 1000-2000 रुपये खर्च करके आप एकदम 10-12 साल पुराने गाड़ी को भी नया जैसा बना के 2-3 साल आराम से चला सकते हो, तो 1000-1200 रुपये खर्च के कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें लगभग 1500 से 2000 का खर्चा आया है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, और दो तीन साल तो आराम से चलेगा अगर आप संभाल के रखेंगे, थोड़ा पेंट वेंट थोड़ा हल्का फुल्का निकलता है, वो थोड़ा बहुत 100-150 रुपये खर्चा होता है, आप दोबारा कर सकते हैं पेंट में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसको बनाने में, तो आप बताना कुछ कमी रह गया हो तो,
और अगर नए अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जो कि आपको नया वीडियो मिल सके टाइम पे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ बढ़िया ही बनाएंगे, कुछ गाड़ी वगैरह तो नया मॉडल कुछ उसका वीडियो लेके आएंगे।